तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं जो क्लोस्टिस का है, एसएससी सीजीएल के लिए और सीपीओ मेंस के लिए, साथ ही साथ बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए भी। और भी हम लोग एक कोर्स ये लेके चल रहे हैं जो ईरर पर डिपेंड है, यानी जिसमें हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट ईरर के बारे में कि कौन कौन से ईरर्स हैं जिसपे प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, उससे हमें नए नए चीज़ें जानने को मिलेंगी। और ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, अगर हम लोग बात करेंगे सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, या फिर हम लोग बात करेंगे सीएचएसएल या फिर बैंक की बात करें तो, क्योंकि इसमें ईरर काफ़ी अच्छे हैं। हमने 5 ऑप्शन दिए हैं जो बैंक एग्जाम्स में आते हुए, 5 ऑप्शन पर आपको पता है कि ईरर आते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने दिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एसएससी सीजीएल प्री या फिर सीपीओ प्री की बात करें तो 175+ का हमारा टारगेट है। इसके अलावा मैं एक स्ट्रेटजी भी बना रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए स्ट्रेटजी, उस पर हम लोग कम्प्लीटली काम चलेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने एरर की ओर, कि कौन कौन से एरर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एरर है जिसमें नई नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैंने इसका पहला कोर्स अपलोड कर दिया हुआ था, अगर आप उसे नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग इसमें सारी की सारी सीरीजें चला रहे हैं और आपको सभी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एकदम फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले एरर के बारे में। पहला एरर है पूरे सेंटेंस को, मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, अगर आपको एरर फाइंड करना तो आप क्या करोगे, पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ लिया करो। अगर आपको एरर दिख जाता है डायरेक्टली सेंटेंस को पढ़ने से तो फिर ठीक है, आपको एरर अच्छा लगा, अच्छा चीज़ है कि आपको तुरंत दिख गया। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस बड़े हैं या फिर सेंटेंस छोटे ही हैं लेकिन आपको फिर भी एरर नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करो, एक ही सेंटेंस को तोड़ तोड़ के देखो कि इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। तो हम लोग वही तरीका अपनाएंगे और एरर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखो कितनी आसानी से ही एरर सॉल्व होते हैं। लिखा हुआ द एयर इज हैवी विथ गैसियस एंड नॉइज पोल्यूटेंट्स जनरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल, नो एरर में ऑप्शन है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे इसमें पहली बार में कोई एरर नहीं दिखा। मैं क्या मानता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि पहली बार में मुझे इसमें कोई एरर नहीं दिखा। अब मैं सीधे स्टार्ट करूँगा कि क्या होते हैं पार्ट वाइज, हम लोग देखते हैं। द एयर इज हैवी, इज लगा हुआ है एयर के हिसाब से, बिल्कुल सही है, हैवी है, सही है। विथ गैसियस, गैसियस और नॉइज पॉल्यूटेंट्स, तो गैसियस और नॉइज पॉल्यूटेंट सही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे एंड जो है तो सीआरसी यहाँ फॉलो करेगा, यानी रूल ऑफ कॉमन, यहाँ पे गैसियस है तो यहाँ पे नॉइजी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि नॉइजी पॉल्यूटेंट्स नहीं, नॉइज पॉल्यूटेंट्स होंगे जनरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल, एकदम सही सेंटेंस में। और इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो सेंटेंस में नो एरर है, कोई भी एरर सेंटेंस में नहीं है। हम लोग यही काम करेंगे सारी जगह पे। लिखा हुआ सम अमेरिकन स्टूडेंट्स फील डेट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर लार्जर इन इंडिया, कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो क्या है, इंडिया में बड़ा है, लार्ज है। तो आप लार्ज का जो यूज होता है वो मैक्सिमम साइज के लिए होता है, तो यहाँ पे लार्ज का यूज ना होके यूज होगा हायर का, क्योंकि साइज के लिए हम लार्जर का यूज करते हैं कि वो साइज में लार्जर है, लार्ज है साइज में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें, यानी पढ़ाई लिखाई, यानी इन सब चीज़ों में बात करेंगे कि एकेडमिक थोड़े से अच्छे लेवल का है, लेवल की बात करेंगे तो वो होगा हायर। तो जो गलत है वह ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पे लार्जर की जगह पे हायर होगा। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। द शॉपकीपर वॉज प्लीज्ड व्हेन वी टोल्ड हिम दिस काइंड ऑफ मैंगोज वर वेरी डिलीशियस, शॉपकीपर जो खुश हुआ जब हमने उससे कहा कि ये जिस प्रकार के जो आम है वो काफ़ी डिलीशियस है। तो हमें पूरा एरर नहीं दिखा, हम ऐसा मान लेते हैं कि पूरे सेंटेंस में हमें कोई एरर नहीं दिखा। अब हम पार्ट को तोड़ेंगे। द शॉपकीपर वाज प्लीज्ड, शॉपकीपर खुश हुआ, एकदम सही सेंटेंस है। व्हेन वी टोल्ड देम, पास्ट में ये भी चल रहा है, एकदम सही है। दिस काइंड ऑफ मैंगोज, काइंड्स आ गया, यहाँ पे आ गया है प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डीज, डीज का यूज करेंगे। अब डीज काइंड्स लगा सकते हो या फिर दिस ही रहने दो इसको, यहाँ पे काइंड कर दो, दिस काइंड, या फिर लगाओ अगर काइंड तो दीज लगाओ, यानी हम प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। जो सही है वो, जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। ऋतिक, ऋतिक अलॉन्ग विद हिज फैमिली आर विजिटिंग, आपको पता है कि रूल होता है अलॉन्ग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, कि जो आपका वर्ब लगता है वो पहले वाले सेंटेंस के, यानी पहले वाले नाउन के जो सब्जेक्ट दे रहेगा उसके हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे ऋतिक के हिसाब से यहाँ पे इज सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अगला देखते हैं। एज ए टीनेजर मोनिका सेलेस हैड
often beat Steffi Graf at the French Open. तो आपको यहाँ पे देखने से ये एरर लग रहा होगा कि आप हैड के बाद कभी भी क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है, तीन चीज़ें होती हैं, हैज हो, है वो, या फिर हैड हो, तो इन सब के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे बीट का यूज ना होके यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा बीटन का। बीटन इज द राइट आंसर। जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोगों ने पांच एरर देखा, इसके बाद हम लोग फिर पांच एरर देखते हैं कि कौन कौन से पांच एरर है इसमें। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, छठा सेंटेंस ही हमारा आज का। छठा सेंटेंस लिखा हुआ, द सी वॉज ओल्डर सिस्टर टू टू बॉयज, पार्ट ऑफ ए फैमिली दैट लिव्ड इन वन बेडरूम फ्लैट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। सेंटेंस हम पूरा मान लेते पढ़े हैं, लेकिन हमें कोई भी एरर नहीं दिखा। अब हम क्या करेंगे, पार्ट को तोड़ के एरर को सॉल्व करेंगे। सी वॉज एल्डर सिस्टर टू टू बॉयज, सही है, कोई एरर नहीं लग रहा। पार्ट ऑफ ए फैमिली, एकदम सही है। डैट लिव्ड इन ए वन बेडरूम फ्लैट, सही है। कुछ लोग को यहाँ पे ए और वन में कुछ डिफिकल्टी लग रहा होगा कि यहाँ पे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, एक वन बेडरूम का फ्लैट था, ये भी सेंटेंस बन सकता। इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, एकदम सही है। तो यहाँ पे जो एरर है, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में, छठे नंबर पे। सत्रवा क्वेश्चन देखते हैं, द एनिमल इंस्टिंक्ट इन पार्ट ऑफ आवर मेकअप, वी आर ऑल बेसिकली एनिमल्स, हम सभी क्या है, एनिमल्स है, हु हैव लर्नड, यहाँ थर्ड फॉर्म आया हैज के साथ, जिससे पहले वाले मैंने आपको बताया था हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, टू ट्रेन अस, हम क्या करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं। यहाँ से खुद का मतलब निकल रहा है, तो अस का यूज ना करके हम यहाँ पे आवर सेल्फ्स का यूज करेंगे, आवर सेल्फ का यूज करेंगे, क्योंकि खुद से मतलब आ रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेन आवर सेल्फ, यानी कि ट्रेन खुद को हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, एज ए फिट करते हैं विद आवर आइडियाज ऑफ ए सिविलाइज सोसाइटी। तो जो एरर है ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। अब आते हैं हम लोग अपने 18 सेंटेंस पे। इसमें पढ़ते ही आपको लग गया कि पोएट्रीज कभी भी नहीं होते, हमेशा ही यहाँ पे पोएट्री होता है, पोएट्री का बहुवचन नहीं बनता, कभी भी आईएस नहीं लगता। नौवे पे आते हैं, द चांसलर ऑफ द दिल्ली एंड द बिहार यूनिवर्सिटीज केम टू आवर कॉलेज। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द चांसलर, ना कि दिल्ली एंड बिहार है, तो द चांसलर के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, वर्ब लगेगी सिंगुलर या प्लुरल। द चांसलर के हिसाब से यहाँ पे इसमें हम चेंज करेंगे, यहाँ पे तो ये पास्ट में जा रहा सेंटेंस, तो द चांसलर के हिसाब से, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात हो रही है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लगाएंगे, ना कि यूनिवर्सिटीज, हम यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे यूनिवर्सिटी, इज द राइट आंसर। जो एरर है वो ऑप्शन नंबर फोर में। लास्ट पे आते हैं हम लोग, यू मस्ट अपोलाइज टू हिम फॉर वॉट यू हैव डन इवन दो द एक्ट वॉज नॉट डन विद एनी बैड इंटेंशन। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं पूरा, हमें कोई एरर नहीं लग रहा था इसमें, हमने नहीं पहचान पाया। अब हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज देखेंगे, यू मस्ट अपोलाइज टू हिम फॉर वॉट यू हैव डन, एकदम सही है, थर्ड फॉर्म आ गई थी, इवन दो द एक्ट वॉज नॉट डन, बिल्कुल सही है, क्योंकि पास्ट में चल रहा विद एनी बैड इंटेंशन, कोई भी एरर नहीं लगा, तो इस ऑप्शन में हो गया नो एरर। तो हमने 10 क्वेश्चन देखे एरर के, 10 ये पार्ट टू था इसमें, इसके अलावा मैंने पार्ट वन इसका अपलोड किया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हम कई सारे सीरीज को चला रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारा 2017 प्री के लिए, 2018 प्री के लिए, एसएससी सीजल मेंस, एसएससी सीजल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करो। थैंक यू सो मच।